तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भी एक बज चुके हैं और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, अच्छी खासी बिगड़ी, मतलब वॉमिटिंग भी हो गई सब कुछ, और सुबह फीवर भी था। तो इस वजह से सुबह से 10-11 बजे तक रेस्ट किया, उसके बाद फिर उठा हूँ तो थोड़ी देर पढ़ने का ट्राई किया, अभी पढ़ ही रहा हूँ। बाकी ठंड लग गई थी, यहाँ की ठंड तो मैंने बताया ही था, बहुत खतरनाक ठंड हो रही है। तो अब उठे हैं और कुछ नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बाकी इसकी वजह से आज कॉलेज भी नहीं जा पाया, वैसे बाय द वे कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, रात से कुछ खाया नहीं था तो अभी मम्मी से बोल के कुछ चटपटा सा बनवाया हूँ। और यहाँ पे अपनी पढ़ाई चल रही है, बाकी यहाँ पे गाने लगाए गए हैं, और एक यहाँ पे डायरी है जिससे मैं अपने नोट्स दिख रहा हूँ और इससे लिख रहा हूँ। तो अभी कुछ सही है तो फिर ब्लॉग बना पाया, नहीं तो फिर और लेट हो जाता। तो चलो पहले कुछ खाते हैं, शरीर में एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है तो कुछ अच्छी खासी तैयारी कर ही लेते हैं। तो अभी 3 बज चुके हैं और अब हमारा टाइम हो रहा है कोचिंग से निकलने के लिए, और बाकी दवा रह गया, दवा खा लेते हैं फिर निकलते हैं कोचिंग के लिए, क्योंकि धीरे धीरे हेड पेन फिर से शुरू हो रहा है। तो अब दवा खाते हैं, फिर उसके बाद तो अब दवा खा लिया है और अब चलते हैं कोचिंग के लिए, और हमें जाना है अपने अपने क्या टेम्पो से जाना है एक्चुअली। तो चलो निकलते हैं। तो अपना छोटा पप्पी के से मिलके हम निकल चुके हैं कोचिंग के लिए, बाकी पीछे तो फाइनली कोचिंग के पास पहुंच चुके हैं, और अभी बहुत टाइम है तो धूप में बैठेंगे, सर होगा तो नहीं अभी तो तैयारी तो मेरी है ही है, टोपी तो टोपी सब बस ठंडा लगे। तो यहाँ पे भी हम पार्क में आके बैठे हुए हैं, और कोचिंग में तो अभी बहुत टाइम है, अप्रॉक्स आधे एक घंटे है। यहाँ पे मैच हो रहा है तो मैच देख रहे हैं, अच्छा खासा मैच हो रहा है। तो गाइस अभी हमें भूख लगी थी तो हम यहाँ पे आए हैं Go69 पिज़्ज़ा, यहाँ पे हमें बर्गर बहुत फेमस है तो बर्गर खाएंगे। आगे टिक्की वाली बन रही है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आएंगे खाएंगे फिर कोचिंग के लिए। तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं कोचिंग के अंदर, बच्चे आए नहीं हैं, सारी चीज़ पर बस एक महान व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो फाइनली हमारा कोचिंग खत्म हो चुका है और अभी हमें भूख लगी थी तो हम आए थे अपने फेवरेट मलाई चाप वाले के यहाँ, जो हमारा मलाई चाप आ चुका है और अब बारी है रुमाली रोटी की, बाकी यशवंत ये रहा। तो फाइनली गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं तो बेगमपुर मार्केट, वहाँ पे कुछ करते हैं। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं बेगमपुर मोबाइल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे यशवंत को उसका फ़ोन एक्सचेंज करके एक नया एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, उसके जॉब में काम आएगा। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कौन सा मॉडल ले रहा है।
तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9 बज गए। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि काम बहुत सारे थे, तो काम निपटाते निपटाते आज टाइम का पता ही नहीं चला। तो घर आ चुके हैं और अब बारी है थोड़ी देर पहले हीटर से शरीर को गर्म करेंगे क्योंकि तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो घर के टेम्परेचर रहना पड़ेगा नहीं तो फिर से हो जाएगी तबीयत ख़राब और फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बस इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, मैं नहीं जानता, कर दो तुम। अच्छा तुम डिसलाइक ही करो बट कर दो, कुछ तो करो, सब्सक्राइब करो या तो डिसलाइक करो। और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।